पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव यहां पर पहुंचे हैं। आज ईडी दफ्तर में तेजस्वी यादव से पूछताछ की जाएगी। कल लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की गई थी लैंड फॉर जॉब मामले में। यह पूछताछ चल रही है ईडी के द्वारा और कई तीन सम्मन जो है वो तेजस्वी यादव को दी गई थी, जिसके बाद वो हाजिर नहीं हुए थे। लेकिन एक बार जो है वो हाथों हाथ सम्मन अधिकारी के द्वारा रिसीव करवाया गया और उनसे समय लिया गया और राजधानी पटना के ही ईडी ऑफिस में तेजस्वी यादव की पेशी जो है वो हो रही है। आज ईडी इनसे पूछताछ करेगी। कल देर शाम तक लगभग 10 घंटे तक लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई है और आज अहले सुबह तेजस्वी यादव भी ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि कल जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव से 50 से ज़्यादा सवाल पूछे गए थे और उन्होंने ज़्यादातर सवालों के हाँ या ना में जवाब दिया था, और अब ऐसे में तेजस्वी यादव का यहाँ पहुँचना और उनके पहुँचते ही उनके समर्थक किस तरीके से जो है वो लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं अपने नेता को लेकर, जो है लगातार जो तमाम कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, MLC हैं, सभी लोग यहाँ पर कंटिन्यूस जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें भी दिखा दे रहे हैं हम आपको किस प्रकार से तेजस्वी यादव पहुँचे और जब वो गाड़ी में बैठे थे तो अपने कार्यकर्ताओं को शांत करवाने के लिए वो खुद गाड़ी से बाहर निकले। उन्होंने अपना जो है वो हाथ हिलाया, चेहरा दिखाया और लोगों को शांत रखने की भी अपील तेजस्वी यादव ने तमाम कार्यकर्ताओं से किया और लगातार जो उनके कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तेजस्वी यादव जो है वो लैंड फॉर जॉब मामले में ये दूसरी बार पूछताछ हो रही है। इससे पहले दिल्ली में हुई थी पूछताछ और उसके बाद आज ये दूसरी बार पूछताछ जो है वो किया जा रहा है यहाँ पर जो राजधानी पटना का ईडी ऑफिस है उस ऑफिस में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिरकार जो बातें निकलकर सामने आ रही थी कि तेजस्वी यादव उस वक्त बड़े भी नहीं हुए थे, 18 साल के नहीं हुए थे जब से ये मामला चल रहा, लेकिन उन सब के बीच उनके कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, पूरी तस्वीर देखिए।